बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी मीडिया और मैं हूँ आमेर हबीब। गाना म्यूजिक वगैरह ये और फिल्म ये वैसे भी अच्छा नहीं है, लेकिन रमजान में कुछ लोग टाइम पास करने के लिए इसे यूज करते हैं, उनके लिए क्या होगा? असल में नामहरम औरत को देखना, नामहरम मर्द को देखना, ये मर्दों के लिए नामहरम औरत हराम है और औरतों के लिए नामहरम मर्द हराम है। तो ये टीवी ड्रामे देखना या इस तरह की चीज़ें जिसमें मखलूतियत भी होती है और फिर औरतों के जो लिबास हैं या मर्दों के जो लिबास हैं वो गैर इस्लामी होते हैं और फिर उनको इन टीवी ड्रामों से आज तक मुझे तो नहीं समझ आती किसी ने कोई टीवी ड्रामा देखा और उसके बाद तहज्जुद पे लग गया हो। मुझे कोई एक ड्रामे वाला कोई बंदा पूछे मेरा ड्रामा देखकर लोगों ने जनाब ली, तौबा कर ली, जिना से बाज आ गए, चोरी से बाज आ गए, डाके से बाज आ गए, कत्ल से बाज आ गए, गलत कामों से तौबा कर ली है। मुझे कोई एक ड्रामा निगार अपने ड्रामे की फजीलत बयान कर दे, मैं उसको कहूँ कि हाँ भाई तुमने अच्छे कोई काम किया। तो जब इस काम की कोई बरकत आप जो टीवी ड्रामा देखने वाली हो, टीवी ड्रामा देखने वाले लोग हो, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे आप बताऊँ कि आपके इस अमल से कोई आज तक कोई फायदा हुआ है आपको? उल्टा आपकी नस्लें आपको देखकर खराब हो रही हैं, नौजवान नस्ल खराब हो रही है। लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि वक्त गुजारने के लिए रमजान मुबारक में टीवी ड्रामे देखने के बजाय आप ये क्यों नहीं करते हो कि कुरान मजीद खोल के बैठ जाओ? अरे रमजान मुबारक में एक आयत समझोगे तो 200 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब हो जाएगा। फिर आप कोई दीनी मसाइल सीखो, कोई समझो, कोई अखलाकियात सीखो, माशरे को क्यों गलत की तरफ ले जा रहे हैं आप लोग? आइंदा आने वाली नस्लें क्या उसे क्या हो जाएंगी इस गफलतों को देखकर? वो लोग जब हम कोई दीन के मसले बयान करेंगे वो बोर हो जाया करेंगे, वो लोग फिर इस तरह इसका गुनाह आप लोगों के सर पे होगा जो टीवी ड्रामे देखते रहे हो, फिल्में देखते रहे हो, उल्टे सीधे काम करते रहे हो और रमजान मुबारक की आपने इज्जत नहीं की। पिछली कौम में से कौम का वाकया आता है हजूर किताबों में कि उन्होंने रमजान मुबारक के अंदर नाच गाने का अहतमाम किया, अल्लाह ने उन कौमों पर आसमान से आग बरसाई, उनको जला के रख दिया। तो ये बेहयाई के कामों से बचें, इज़्ज़त तक़वा अख्तियार करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मुतवज्जे रखें, तौबा इस्तग़फ़ार करें ताकि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें ज़्यादा बरसें। इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ तावन किया है पब्लिक न्यूज़ एंड मीडिया कॉरपोरेशन, फ्यूचर स्टार रेंट अ कार, यूनाइटेड फोर्स ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। पब्लिक टीवी मीडिया देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद न्यूज़, ताज़ातरीन रिपोर्ट्स और मालूमाती प्रोग्राम्स के लिए आप हमें ज्वाइन कीजिए सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स पर और विजिट कीजिए पब्लिक टीवी मीडिया .com।